हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से किस्से कहानियाँ मिलती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो हम सभी जानते हैं, हर महीने स्त्रियों को भोगनी पड़ती है मासिक धर्म की पीड़ा। तो आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे की पौराणिक कथा, किस कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा हर महीने भोगनी पड़ती है, किस शाप या गलती के कारण ऐसा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इसके लिए कुछ कहानी किस्से हैं जो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है, इस बारे में एक पौराणिक कथा मिलती है। पुराणों के अनुसार एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, एक बार वह देवराज इंद्र से काफी नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे मदद की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे में आपके दुखों का निवारण संभव है। तब इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे, लेकिन वह इस बात से अनजान थे ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर थी, इसीलिए उस व्यक्ति को असुरों से विशेष लगाव था। इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वह ब्रह्म ज्ञानी असुरों को चढ़ाने लगा। इससे इंद्रदेव की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्म ज्ञानी को गुरु मानते थे। इस प्रकार गुरु और ब्रह्म हत्या का घोर पाप इंद्र को लग गया। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल में छिपा लिया। कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु जी की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने इस पाप मुक्ति के लिए जो सुझाव दिया था, उस सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मनाया। इंद्र की बात सुनकर वह तैयार हो गया। इंद्र ने उन्हें एक एक वरदान देने की भी बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्म हत्या के पाप का एक चौथाई हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने एक चौथाई हिस्सा लिया, तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति रखेंगे। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट का असर नहीं होगा, वह चोट जल्दी ही अपने आप भर जाएगी। आखिर में स्त्री ही शेष बची। इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाओं को एक वरदान भी दिया कि स्त्रियां ही बच्चों को जन्म दे पाएंगी, मातृत्व का सुख ले पाएंगी। इस प्रकार मित्रों, स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को भोगना पड़ता है और बच्चे को जन्म देने का सौभाग्य भी सिर्फ स्त्रियों को ही मिला है। इस प्रकार पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या करने का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इस प्रकार मित्रों, मासिक धर्म की शुरुआत हुई। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मतों को मानने के लिए लोगों की अलग अलग राय हैं, इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, परंतु हमारे पुराणों में मासिक धर्म से संबंधित यह एक पौराणिक कथा है। अगर आपको यह कथा और यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें। राधे राधे।